आप मामी से तो मिले नहीं, आप भाग गए बाहर से ही। भैया मेरी का अवॉइड कर रहे हैं क्या? मुझे इग्नोर किया क्या बेटा? मामी को इग्नोर करके आगे चले गए। अब मामी को इग्नोर करके मामी बात कर रही थी और आप आगे चले गए। किया तो है ऐसा, मतलब मामी को क्या हुआ बेटा? गुड मॉर्निंग पीपल, अब मैं निकल गई हूँ यहाँ से और पीछे मेरी भाभी आ रही है, उससे पीछे मेरा भाई आ रहा होगा, मिट्टी आ रही होगी। पापा से मिल रही हूँ, मम्मी से मिल रही हूँ, वो लोग तो ऑब्वियसली घर में ही हैं। और मैं जा रही हूँ अब अविनाश के पास। तो यहाँ से मुझे आई थिंक लग जाएगा एक घंटा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। सो जैसे अभी गाड़ी में बैठती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। कैसे कैसे सुबह उठी हूँ भाई साहब, यहाँ पे तो बहुत ठंड है, हड्डियाँ टूट गई मेरी। गुड मॉर्निंग मिट्टी, ये क्या बन के आए हो आप? ये आपका मास्क आपके मुँह से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? तो कैसे कोहनी मारती है ना? हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल बंद नहीं है। तो मेरे ऊपर है क्या? नहीं कह दो ये झूठ है। राखी को हर वक्त रहता है कि कैमरा गलत एंगल से मैंने इस पे रखा हुआ है। अरे अभी तक भाई नहीं आया। गाड़ी कितने है? गाड़ी आ गई, लगेज आ गया, गुड्डू नहीं आया। बेटा अच्छे कुत्ते, अच्छा कुत्ता है तू। फाइनली तेरा फेस ले लूं। मैं तेरा फेस कभी भी रिवील नहीं करूंगी जब तक तू नहीं चाहेगा। कर ही नहीं रही ये तरीका? हाँ यही है। अच्छा ऐसा है? हाँ। मास्क बिल्कुल उतारी, मास्क ही उतारी और खुद ने तूने मास्क पहना नहीं हुआ। वो तो अभी गाड़ी में पड़े हुए ना मास्क। चल बाय बाय। चल गुड्डू चल। इधर से हाथ तो दिखा दे, ऐसे ऐसे हाथ दिखा दे कि मैं पता लगे मेरे भाई का हाथ ऐसा है। आ गया हमारे पीछे पीछे आया ये। अरे बेटा तू कैसा कुत्ता है तू कैसा। अरे सुबह सुबह उधर से संभावना निकल चुकी है 7 बजे के करीब, अब पहुंचने वाली है। घर में पूरी भगदड़ मची हुई है कि वो आने वाली है, मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। दोनों कमरों में बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें आदि की ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें अमन की ऑनलाइन क्लास चल रही है, और अर्नब की कब है ऑनलाइन क्लास? 10 बजे। और इधर मम्मी मेरी परेशान परेशान घूम रही है कि बहू आने वाली है, क्या बनाया जाए। फाइनली डिसाइड हुआ है कि छोले भटूरे मंगाए जाएंगे बाहर से। संभावना आ चुकी है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ नीचे। नमस्ते पापा। अरे कैसे हो पापा, ऐसे मिलना था मैं। अरे नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी। अरे कैसे हो? नमस्ते बेटा। हेलो निशा। नमस्ते नमस्ते बेटा। हेलो भाभी। कैसे बेटा? अच्छा ठीक हो आप? मामी से तो मिले नहीं, आप भाग गए बाहर से ही। भैया मेरी का अवॉइड कर रहे हैं क्या? मुझे इग्नोर किया क्या? इसा इग्नोर करके मैं आगे चला गया। बेटा मामी को इग्नोर करके आगे चले गए। अब मामी को इग्नोर करके मामी बात कर रही थी और आप आगे चले गए। किया तो है ऐसा, मतलब मामी को क्या हुआ बेटा? हो गया। अरे नहीं मैं कह रही थी ना, मामी आपसे बात कर रही थी। हाँ। फिर आप मामी को छोड़ के आगे चले गए, मामी को देखा ही नहीं आपने। हाँ। ऐसा करा आपने? हाँ। किया मैंने। फिर लेकिन क्यों किया बेटा? आओ मामी के साथ बैठेंगे। हाँ। जैसे जैसे मामी कहेगी आप वैसे वैसे करना है आपको। इसकी तो सिट्टी पिट्टी। अरे वो छुड़ा के भागना चाह रहा है, पता है वो ना ऐसे हुआ हुआ। ये वही है मैम, मैं क्विट द क्लास। मैम मैं क्विट द क्लास। ये तो और लंबा हो गया, मेरे से भी लंबा हो गया। हाँ हाँ हो गया, बस 1 इंच का फर्क है। अभी कंधे चौड़े हैं कुछ नहीं, वो लंबा हो गया। ये तो अभी और हाइट निकालेगा। निकालेगा मतलब जेब में रखेगा उसकी। ये नाना और अर्नब के बीच में हो गई कुश्ती। बन जाए तो आप चीटिंग करके लड़ाएंगे। जय बजरंगबली, जय टाइगर श्रॉफ। चलो आई वॉन द मैच। दोनों करण अर्जुन हार गए, चलो अपने अपने घर। अपनी चाय खुद बनवा रही हो, खड़ी होके स्ट्रांग चाहिए ना। और फास्ट ये तो होता ही फास्ट में तो बेटा सिर्फ हाथ ही हिल रहे थे। फास्ट होता ही नहीं है ढंग से, प्रतीक बहुत फास्ट कर लेता है बेटा। ये तो लग रहा है चिंपैंजी आ गया। अरे पेट हिल रहा है। ओए संभावना ने आते ही उसके लिए जो शॉपिंग की सबसे पहले वो देखने का मन बनाया है। मैंने नहीं बनाया, मेरा नाम मत खराब करो। इसे कहते हैं लालची बहू। अरे 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 ये तो बहुत सामान है ये मेरा। अरे अभी ट्राई करोगी? अरे एकदम पहन के देख लेना चाहिए ना, भगवान सब आ जाए। अच्छा दिख रहा है यार, आ जाए बस जी, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। परफेक्ट आ गया। ओ वाओ भाभी। अरे यार ये कलर कितना प्यारा है, कैसा लग रहा है? कितना स्मार्ट इसका पैटर्न है यार। यार सरोजनी नगर का तो कोई तोड़ ही नहीं है, ये छोटा क्यों लग रहा है मेरे को? अरे वाह यार ये कितना छोटा लग रहा था और तुम्हें आ गया फिट। हाँ। लग रहा था बच्चों का है, बहुत स्मार्ट यार ये। बेटा ये भी कलर बड़ा खेल रहा है, शीशा यही है। अरे मामी हां ठीक है ठीक है, बंद कर दे बेटा। हां आप कर दे।
क्या कर दिया? पाप कर दिया, यहाँ पे मंदिर है मामी, यहाँ पे मंदिर है। पाप कर दिया, जूते पहन के चले गए। तो अभी सारा काम कर डालूंगी ना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो गया भैया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा यार। ये भी ट्राई करिए, अरे यार मस्टर्ड कलर, मेरे को लग रहा है ये मेरे को नहीं आएगा। परफेक्ट है यार, कितने स्मार्ट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, लेकिन इससे पहले आप लोग बातें बनाओ, मैं बता दूं कि जो कुर्ते वुर्ते आए थे जितने भी, वो सब संभावना ने सिलेक्ट करके लाई थी अपनी नंदों के लिए। कहीं बाद में कहो नंदो ने ये दिया, आपने क्या दिया, वो सब ड्रामा शुरू हो जाए कमेंट बॉक्स में। उसके पहले बता दूं मैं, ये इतने सारे विंटर क्लोथ्स का तुम करोगी क्या? विंटर में कहीं जाएंगे ना, फिर घूमने जाएंगे ना, सिर्फ कपड़े के लिए कि कपड़े यूज हो जाए। लेकिन भाई पूरा यूके स्टाइल लग रहा है, तो लंदन गर्ल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा इसका तो यार मटेरियल भी बहुत प्यारा है। तो ये छोले भटूरे आ चुके हैं, अब होने जा रहे हैं छोले भटूरे का नाश्ता। लग चुका है सब कुछ, माल मसाला धीरे धीरे लगना शुरू हो चुका है। और सबसे पहला जो गेस्ट बैठा है छोले भटूरे खाने के लिए वो है मिस्टर आदित्य शर्मा, मिस्टर नहीं मास्टर, मास्टर मास्टर। मम्मी आप शुरू करिए, पानी आ रहा है। पापा मैं शुरू कर रही हूँ। अरे वाह, मम्मी यही लास्ट टाइम खाई थी ना उसी शॉप से आई, बहुत बढ़िया। कैसा है? बहुत यम्मी है, एक्सट्रीमली यम्मी। हेलो, अरे कैसे हो आप? भाभी कैसे हो? सारे टाइम बाद मिले, अच्छे। देख लो मैंने पहना क्या हुआ लेकिन। हाँ। अरे जीजू कैसे हो? बढ़िया, बताइए। कैसा लग रहा है मामी की गोदी में? पहले जब आए थे तो ट्यूसडे था। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने पूछा मामी की गोदी में कैसा लग रहा है, कह रहा पहले आए थे तो ट्यूसडे था। तब, मतलब तब थोड़ा सा सही था, पहले आए थे जब ये पहले आया था। पहले तो आप बहुत शर्मा रहे थे मामी से लास्ट टाइम। ठीक है, मामी को फ्लॉस करके दिखा दो। करके दिखा रहे हो? पहले एक किस दे दो मामी को। ये दे। अब एक बार मामी को सिखा दो यही। ऐसे करते यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे सीधा मुंह होना चाहिए। फिर दोबारा बताना जरा, एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे। अरे वाह, पता है तुम्हें ये बात बोलने में वो इंटरेस्टेड नहीं था, इनको बहुत जल्दी आ गया और उसको बैठना था, उसको बात ही नहीं करनी थी मुझसे। उसको बहुत बुरा लगा है मामी को इतनी जल्दी कैसे आ गया, मेरे को इतने साल लग गए सीखने में। लेकिन वन टू फोर, चलो सीखने, वरना तो सब ठीक कर रहे हैं। मेट्रो में लड़ाई हो रही है। तो जी अभी डिसाइड हुआ है, क्योंकि मम्मी को कुछ दिन में गांव जाना है और मम्मी को आईब्रो बनवानी थी, तो यहीं पे डिसाइड हो गया। समाना ने बोल दिया कि मम्मी मुझे आईब्रो बनानी आती है, हालांकि मम्मी को उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए मम्मी ने पहले अपनी आईब्रो चेक कर ली कि पहले देख लूं कितनी है और इसके बाद एक बार चेक करेंगे कितनी बची है। तो हो जाए फिर मम्मी, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। तुमने सीखी कहां से पहले अपने यूनिवर्सिटी? अरे मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे हाथ में शफा है। शफा से मेरी माँ को खफा मत करना, शादी में जाना है और कहीं भी आईब्रो दिखाओ है ही नहीं ना। आप तो कहोगे मम्मी तो आईब्रो नहीं आपके, खाली ना साइड का ही निकालना है। ये है ना, ये निकालना है ना। हाँ, जितना है बड़े बाल वो नहीं निकालने हैं। आप लोग यार पतली हो जाए, नॉर्मल हाथ रख लो नीचे। चलो अरे बेटा कटे होते ना, अब अगर ऐनक देना मेरी। अरे बिना चश्मे के आपकी आईब्रो बना रही थी। अरे मेरी माँ की पलक मत खींच देना आईब्रो की जगह। अरे वाह, अरे ये तो बतख की तरह गर्दन कर रही है और सारा निकाल। पता नहीं चल रहा बिल्कुल, तो पूरा मतलब पार्लर स्टाइल है। हाँ, गर्दन चलती है साथ साथ। मम्मी बता देना दर्द हो तो, कहीं बहू ही बना रही है इसलिए सहती जाओ। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये यहाँ से पकड़ो। अरे ये तो एकदम चिकना कर दिया। हाँ, बिल्कुल दर्द है ही नहीं। अरे आईब्रो बनेगी कि माथा ही साफ होता रहेगा? लो लहसुन अदरक वाला भी आ गया, चिंता तो नहीं हो रही। लहसुन लेना था, मम्मी अदरक लेना था ना संभावना के लिए। अरे यार क्या लाइन बनाई है, दिखाना तुम लोग बनवा लो। अरे वाह मम्मी, क्या लाइन शार्प करी है भाई साहब। देखो इधर इधर सारी का चेक करो, कहीं कहीं से कुछ लग रहा है तो मेरे को बताओ। नहीं, देख के ही लग रहा है, बहुत अच्छा बना है। तो जी दूसरा कस्टमर हो गया रेडी। इसीलिए नहीं आ रही थी। चलो इस महीने का हमारा खर्चा निकल जाएगा। ये आपकी फीस 20% भी दर्द नहीं हो रहा। दोनों परिवार में पापा के बाद पहला टैलेंटेड आदमी आया है। क्या फिनिशिंग आई है ना, मस्त एकदम झकास। अरे दर्द ही नहीं हुआ, 1% भी दर्द नहीं हुआ, वरना आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। और अगला शिकार पकड़ लिया है। थोड़ा थोड़ा है, नीचे नीचे आओ। नीचे नीचे है ना? नीचे से ही उठा के मुझे पसंद है, पहली बार बनी है, बहुत अच्छी बनी। भाभी मैं शायद किसी से अपनी आईब्रो ना बनवाऊंगा, दोबारा इसे याद के तौर पे ही रख लूं। तुम मेरे को क्या समझ रहे थे? अरे यार ये तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये टैलेंट तो मुझसे भी छुपा हुआ था। अरे मम्मी छगन भाई ठीक है, ये रखना, आईब्रोज बनवाने के पैसे मिले हैं, पार्लर खोलूं। तो जी भाभी को मिली है आईब्रो बनाने के गीली छेना मुर्गी, बढ़िया है। खाओ बच्चों।
बच्चों के लिए छोड़ोगी तो बच्चे खाएंगे, बच्चे डरे हुए हैं। तो जी जीजू बना रहे सबके लिए गोलगप्पे, जीजू के हाथ के गोलगप्पे होते हैं बहुत टेस्टी। और जिसके लिए लाए गए गोलगप्पे मैं वो खा नहीं सकता, मैं गले की वजह से। जीजू लाए तो आप मेरे लिए थे ना, तो कह दो आप ही के लिए लाए थे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जिनके लिए लाए वो तो खा ही नहीं रहे। निशा तृप्ति क्या है? तृप्ति ये कौन सी? ओह माय गॉड जीजू आप फंसाओगे मेरे को। सेटिस्फेक्शन जी, हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए, हमारी गाड़ी आ गई, एयरपोर्ट निकलना है। और सब लोगों के सामने बता दूं कि मैं अंदर जाके सो गई थी। लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कुछ किया मैंने आके, तो मैं आपको बता दूं, छोले भटूरे खाए मैंने, चाय पी और सो गई। अभी उठी हूँ, सबने उठाया कि बेटा आपकी गाड़ी आ गई है। तो अब जाने का टाइम हो रहा है, सबसे अलविदा कहने का टाइम हो रहा है, और किसी की आंखों में आंसू नहीं है। सब लोग बस वेट कर रहे हैं कि हम लोग कब निकलेंगे यहाँ से। क्या मम्मी? मैं रो दूंगी। अभी रोगी? मेरे अंदर धक धक हो रहा है। हो रहा है कि अब टाइम हो गया जाने का। कह रही है अब मैं कभी आईब्रोज ही नहीं बनवाऊंगी, मतलब तुम समझ गए ना, इधर तारीफ की उससे नहीं कह रही है। कह रही है आज के बाद मैं आईब्रोज ही नहीं बनवाऊंगी। और जीजू का मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, थैंक यू जीजू आपने इतना सारा सामान मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू हमें बोलना चाहिए, और बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी। अच्छा इसलिए लग रहा है कि अविनाश जा रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है कि आप जा रहे हैं। अच्छा जियो मुन्ना भैया। बेटा हम जा रहे हैं। बाय बाय। जाओ बेटा हम जा रहे हैं। प्रतीक बाय बाय। तो दे वर वेटिंग, शायद ये कुछ बोले। बेटा हम जा रहे हैं, याद आएगी। हाँ देखा, ये बड़ा हो गया मामा की। मन मामी का वेट हो रहा है कि ये कब निकलेंगे यहाँ से। चलो चलो चलो। हाँ कैब वाला तो आ जाए। आ क्यों नहीं रहे? उसे भी जब से पता चला है संभावना जी की कैब है, मना कर रहा है। पापा हम लोग जा रहे हैं। अब तो आप भी जा रहे हो? हम भी तो जाएंगे कल। हाँ तो इसलिए दुख मनाने वाली बात नहीं है, ज्यादा दुख की बात नहीं। आप भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं। मम्मी की आंखों में थोड़ा सा एक आंसू दिखा मुझे, लेफ्ट वाली आई में। जरूरी था कि कौन सी तरफ है, कह रहे बताना जरूरी था कि कौन सी तरफ है। सब्सक्राइब करना ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज के लिए गुड बाय। ले जाओ। एंड वी हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट। ये क्या कर रही हो? तुम्हें सूंघ के नहीं पहचान पाएंगे, मुंह ढक रही हो। बच्चों छोटे छोटे पिल्ले कैसी है बेटा? सामान ले ले। हे भगवान, वही कर लो, प्यार कर लो भाई, बहुत बुरी हालत है। कोको भी आ गया। तुम्हारी पूछ है। अरे कितना ऊपर से कूद गई है। अब भाई साहब मुझे माफ करो, अब मैं मेरे बच्चों को टाइम दूंगी, फटाफट नहाऊंगी। आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना से गुज्जू बुब्बा एंटरटेनमेंट। वो देखो उसमें भी वो बॉल लाना याद है उसको, चेरी को। चलो बेटा बॉल, इस समय भी बॉल आएंगे। 10 साल की गुड़िया बॉल मांगती है, भागी भागी कर रहा है।